जब उस जमील ने अपने चाचा मालदेव का नोता दिया, पनवासी के दिनों मालदेव जोधपुर से मेरठ आ जाता है। शाम का समय होया, दोनों चाचा बेटा ने बैठ के दारू पी नशे हो जाते हैं। उधर से शशबदनी का बुलावा आ गया कि महाराज खाने का समय हो गया, अब खाना खा लो। वो जमल अपने चाचा मालदेव को ले जाकर एक चौक में बिठा देता है। उस मालदेव की निगाह एक साड़ी पपड़ी और जमल से प्रस्ताव रखता है, जिसकी साड़ी होगी जब अपनी बाँध न मेरे साथ बवाओगी तो समझौता ना था कैंसिल। काफी देर बहस हुई लेकिन नहीं मानता क्योंकि नशे हो रहे थे। वो जमल उस शशबदनी के पास आया, अकपने तरह नाश करा दिया। अकमाराज की बात क्यों छो मोर्य हो, अकमनु को तो समझौते के लायक नहीं है, अकम बात भी हुई होगी। अब तेरी साड़ी को देखकर ये कहता है जिसकी साड़ी जब अपने बाम न मिल गया लगभग आगे तो समझौता ना तक कैंसिल, समझौता नहीं करो। अकमाराज यह भी क्यों बात हुई, तो ये मन ना इजाजत दे मैं करवाऊंगी समझौता। अकियो का क्या कसर रहेगी, तू जाकर उस तो बात करेगी, वो के मैं ऊंच नीच का गा मेरा छो उठागा, मैं उसका लठ मारूंगा फिर। आज तो आ रहा है अगाड़ा आने भी तरसेगा, अगना ऐसा काम नहीं हो। उस जंबल से इजाजत लेकर वह शशबदनी जाकर उस मालदेव से बात करती है। अक चाचा क्या बाय अड़िया बैठा है, एक ब्याह की तो बात से घने ब्याह करवा दूंगी, तू मेरी बात मान। What?
स्वरूप से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। क्या कहा क्या बताया।